हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस हम फिलहाल जो है यहाँ पे खड़े हैं बरला छपार, इस पे बरला छपार जो है टोल प्लाजा इस पे खड़े हैं। और हमारे पीछे जो आप दिख रहा है ये जो है मोनू डीजे है। और हम अभी थोड़ी देर में जो है मोनू डीजे वाले फॉलोवरों से बात करेंगे, जानेंगे क्या है कैसा है, और डीजे साजन के बारे में भी बात करेंगे डीजे मोनू वाले फॉलोवरों से। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे, आइएगा हमारे साथ। तो गाइस हमें कुछ फॉलोवर मिले हैं डीजे मोनू के, उनसे बात करेंगे। देखेंगे भैया अपना नाम बताओ पहले। हां मुजफ्फरनगर से। कहां से हो? मुजफ्फरनगर से, जोनी भोला मुजफ्फरनगर से। भाई क्या खासियत है? खास है हमारी बजनी नहीं रही, जब भी हम बजती नहीं। अच्छा बोल दो भैया, क्या लग रहा है कितनी देर में बचेगा? एक घंटे बाद कह रहे जी। मुजफ्फरनगर तक किस टाइम पहुँचेगा? मुजफ्फरनगर कल तक पहुँचेगा जी। कल जाएगा शाम को। तो कंपटीशन कब होगा इसका, डीजे का, कसाना का, मोनू का? मोनू का नहीं, मुझे फनगर के बाद होगा ये। मुझे फनगर के बाद होएगा, इससे पहले नहीं करने। इससे पहले मुश्किल है, हाल लगे हो वहीं हो जाओगा। अच्छा ये तो पीछे डीजे कसाना यार आएगा? कह नहीं सकते, बोले धड़कन है, धड़कन अच्छा है, धड़कन है यार है। तो धड़कन से भी हो सकेगा कंपटीशन? हाँ धड़कन से भी हो सके, होगा होगा। कावड़ ऐसा है, कावड़ आगे निकल गई थी थोड़ी, कावड़ पल्ली साइड है, इस कारण कावड़ आगे आएगी। तब कंपटीशन सबसे करेंगे, छोड़ने की कोई सी नहीं, सबसे करेंगे, सबसे होगा। क्या कहना चाहो मोनू डीजे का, किसे किसे मात दे सके? सारों को देगा, सारों को तो कितने का सिस्टम बैठ रहा है इसका? 3 करोड़ सिस्टम तो बहुत कैडा बोल, जैसे कि हर कोई बताने लग रहा आप अपनी कोस्ट, फिर भी तुम्हारी जितनी आ रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं मालूम है, तो क्या ही देगा कोई। अच्छा तो कैसा, मतलब जो डीजे सार्जन के साथ पीछे वो उनकी लड़ाई हुई थी डीजे रावण वाली, सही देखते हो? गलत है। वो मेले में प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है, उसके साथ लड़ाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा व्यवहार, डीजे वाले भी इस चीज को सब चीज मन बता रहे हैं, इससे भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। प्रदर्शन को भी डीजे से होना चाहिए, कोई भी डीजे वाला हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा संस्कार सब होना चाहिए। क्या क्या वजह लग रही, क्यों हुई लड़ाई वो? बट ये तो ऐसे ही हो जाए, जो कॉम्पिटिशन हुई आपस में, ऐसा हो जा, बोल चाल हो जा, आपस में माइक ना बोल रहे, मुस्लिम जी बोल रहे, रावण को हराने पर। हाँ तो मतलब जब कंपटीशन हो रहा है उसमें हार जीत तो होगी, उसमें भाई अपनी हार ना बर्दाश्त नहीं हुई, बाहर से डीजे आया भाई साहब, सम्मान करना चाहिए ना सबको। सामने वाला 1500 किलोमीटर दूर से आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नंबर वन जाएगा भाई सार्जन डीजे, नंबर वन जाएगा भाई। उसने अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो उतने लड़ाई करी उससे, बोल शंकर भगवान की। तो डीजे रावण के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई साहब? वो गलत ही रहेगा, जब वो हमेशा में कुछ भी लगा के लिया, वो बोले वापस ही मैर जिसकी होगी ना वो ही जीतेगा, जब वो कुछ ना कुछ भी चाहे वो कुछ भी लगा के लिया। वो 1500 किलोमीटर जा रहा था, उसका हालात भी ने वेलकम करा, मगर उसने गलत करा जो उसने लड़ाई करी। मेहनत उसकी बाबा में रंग लागा, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर जो जितना गलत करा उसके सब खिलाफ है। बोल शंकर महाराज, दोबारा बात करा रहा, टेंशन वाली बात ना सार्जन। अब क्या कैसा सेटअप बांध रहा है सार्जन? तालम तोड़ी बांध रहा, दोबारा से बांध रहा सार्जन। कैसा सेटअप है आपके? सेटअप बढ़िया है, जोरदार है। हम इसे ला रहे हैं, 2022 में भी लाए थे, 2024 में मोनू लाए, उससे पहले भी लाए, 54 बराबर का जो उससे कंपटीशन कोई नहीं टिकने का, कोई नहीं टिकता, नहीं जा 25 को टक्कर बनी था, 25 साल का ना कोई और जो भगवान शंकर महाराज को बढ़िया सा भी अपने हाथ में है, मगर बढ़िया सा डंबल रखा उसने अपना बढ़िया। तो डीजे मोनू खड़ा है, ये डीजे साजन चल रहा है, बड़ी अपनी मेहनत लगा रखी है, अल्लाह भगवान के ऊपर बात है, मार उसका रोक का ज्यादा है भाई, वो पहली बार आया। जनता क्या जा रही फिलहाल? जनता क्या जा रही है? सब कुछ है और सब थोड़े बहुत लगा था, देख सकते हो गाइस आप लोग सभी जीत ले।
डीजे मोनू खड़ा है और बराबर में ही जो है डीजे धड़कन आने वाला है। और देखो जनता किस तरीके से देखो जनता कितना जोर का है, आप लोग देख सकते हैं कैसे डीजे धड़कन और डीजे मोनू वाले ज्यादा लोग हैं यहाँ पे फिलहाल। और इनकी उत्सुकता आप देख सकते हैं कितनी, इंतजार कर रहे हैं इसका डीजे के चलने का। वो थोड़ी देर में डीजे चलने वाला है और ये हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत देर में मतलब मुजफ्फरनगर में पहुंचेगा। मुजफ्फरनगर में अंदर को जाओगा तो इसका थोड़ा छोटा सेटअप बनेगा, क्योंकि बड़ा सेटअप बन रहा है और वो बाहर को हाईवे पर तो जा सके, अंदर नहीं जा सकता। तो गाइस वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।